भारत के ग्लोबल सोल्जर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक प्लेन क्रैश का शिकार हुए। कुछ लोगों का मानना है कि उस प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई और कुछ लोगों का मानना है कि वो इस क्रैश को सरवाइव कर गए थे और उसके बाद भी जिंदा थे। हम इन दोनों में से किसी थ्योरी पर डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मानना ये है कि सुभाष चंद्र बोस जैसा, नेताजी जैसा एक आइकन किसी एक्सीडेंट में खत्म हो ही नहीं सकता। सुभाष चंद्र बोस एक व्यक्ति का या एक शरीर का नाम नहीं है, वो नाम है तीन क्वालिटीज के एक ऐसे कॉम्बिनेशन का जो उनको बनाती है इमॉर्टल। बताते हैं आपको वो कौन सी तीन क्वालिटीज हैं जो नेताजी को अमर बनाती हैं और जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि नेताजी आज भी जिंदा है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए। पहली चीज, उनका स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस। नेताजी एक बहुत ही इंटेलिजेंट वॉरियर थे। उन्होंने कभी भी अपनी लड़ाई को सिर्फ जोश की लड़ाई नहीं बनाया। नेताजी की स्ट्रैटेजी का एक एक स्टेप न सिर्फ वेल प्लान्ड होता था, बल्कि बहुत आगे तक के लिए सोचा समझा हुआ होता था। उस समय देश में फ्रीडम स्ट्रगल दो तरीके के मोड से चल रहा था। एक था गांधीवाद, जो अहिंसा, शांति प्रदर्शन और उपवास जैसे एलिमेंट्स पर बेस्ड था, और दूसरा था क्रांतिकारी आंदोलन, जिसे शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी आगे बढ़ा रहे थे। सुभाष बाबू ने आंदोलन के दोनों तरीकों को करीब से देखा और तब उन्होंने सोचा कि एक तीसरा रास्ता अपनाना चाहिए जो इस लड़ाई को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाए। उन्होंने बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से इसकी पूरी प्लानिंग की और हर कदम पर प्लान बी लेकर इस लड़ाई की शुरुआत की। ये न तो ट्रेडिशनल आर्मी कॉम्बैट था और न ही टिपिकल गुरिला वॉरफेयर। उन्होंने करंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से समझा और दुनिया की दो बड़ी ताकतों, जापान और जर्मनी को भारत के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए कन्विंस किया। देश के बाहर रहकर एक आर्मी को दोबारा बनाना और फिर उसको आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार करना उनके लिए स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर का हिस्सा था। जहां तक सुभाष चंद्र बोस के इंटेलिजेंस की बात है, उनके ICS टॉपर होने और हाउस अरेस्ट से इंश्योरेंस इंस्पेक्टर जियाउद्दीन बनकर भागने की कहानी तो आपको पता ही है। नहीं पता है तो थोड़ा इंतजार कीजिए, हम ये कहानी आपके लिए इसी चैनल पर लेकर आएंगे। आप चाहें तो नेताजी के भतीजे शिशिर कुमार बोस जी की किताब द ग्रेट एस्केप में ये कहानी पढ़ सकते हैं। नेताजी की दूसरी क्वालिटी जो उनको अमर बनाती है वो है करेज, यानी उनका साहस। जिस समय सुभाष चंद्र बोस जी आजादी की लड़ाई में आए, उस समय क्रांतिकारी होना ब्रिटिश सरकार की नजरों में सबसे बड़ा अपराध था। क्रांतिकारी बनने के शुरुआती दौर में ही नेताजी को जेल जाना पड़ा, लेकिन जेल का लोहा उनके अंदर के लोहे को नहीं पिघला सका। सुभाष बाबू ने जितना बड़ा सपना देखा, वो सपना देखना ही बड़ी हिम्मत का काम था। जिस समय भारत के सैनिक ब्रिटिश सरकार द्वारा World War II में अलाइड फोर्सेस की तरफ से लड़ने के लिए भेजे जा रहे थे, उस समय जापान और जर्मनी जैसे देशों के साथ हाथ मिलाने का इमेजिनेशन भी डरावना लगता है। लेकिन सुभाष बाबू ने न सिर्फ ये सोचा बल्कि इस काम को अंजाम भी दिया और जापान सरकार के साथ साथ हिटलर जैसे शक्तिशाली नेता के पास जाकर भी नेगोशिएशन शुरू कर दिया। साथ ही एक पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट फौज को दोबारा तैयार कर लेना, वो भी फॉरेन लैंड पर, ये उनके साहस का दूसरा बड़ा एग्जाम्पल है। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की लीडरशिप में इंडियन नेशनल आर्मी ने अपना काम तो शुरू कर ही दिया था, लेकिन जापानी पार्टनर्स के साथ कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद आर्मी बिखर गई थी। रास बिहारी बोस जी ने INA को सुभाष बाबू के हाथों में सौंप दिया। नई लीडरशिप में INA न सिर्फ दोबारा बनकर तैयार हो गई, बल्कि उसने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपनी लड़ाई को जोर शोर से शुरू भी कर दिया था। और तीसरी बात जो नेताजी को हमारे अंदर हमेशा जिंदा रखती है, वो है उनकी लीडरशिप। नेताजी की लीडरशिप एबिलिटीज का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि पूरा देश ही उनको नेताजी के नाम से याद करता है। उनकी इंडियन नेशनल आर्मी में एक विमेन विंग था जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। इस ब्रिगेड की लीडर कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि देश के बाहर विपरीत परिस्थितियों में इंडियन नेशनल आर्मी अपना काम कर रही थी, ऐसे में कोई बीमार पड़ जाता था तो कैसे मैनेज करते थे आप लोग, इसके जवाब में लक्ष्मी सहगल जी का जवाब था, नेताजी थे ना। उन्होंने आगे बताया कि हजारों की इस आर्मी में किसकी क्या प्रॉब्लम है नेताजी को सब पता होता था और नेताजी सबकी प्रॉब्लम्स को खुद अपनी निगरानी में सॉल्व करवाते थे। ये होती है लीडरशिप, वरना देश के बाहर रहकर 40,000 से अधिक लोगों को आवाज़ देकर उनको इतनी बड़ी लड़ाई के लिए इकट्ठा करना और तैयार करना तो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता। नेताजी ने न सिर्फ आज़ाद भारत का सपना देखा, बल्कि लाखों लोगों को ये सपना दिखाया और इस सपने में विश्वास करना सिखाया। इसके लिए जिस लेवल की लीडरशिप की जरूरत थी वो नेताजी में थी। नेताजी के भाषण, उनकी बातें ऐसी थी जिससे सुनने वालों की नसों में उबाल आ जाता था। अब मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाने जा रहा हूं, ये अच्छी लगे आपको तो इसे आगे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। कवि गोपाल प्रसाद व्यास लिखते हैं कि आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है।
यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दमकी उनकी रक्तिम काया। आजानु बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंसकर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं माता के चरणों में, यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। इस तरह का जोश भरने की ताकत अपने शब्दों में रखने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे दिलों में हमेशा जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। जय सुभाष, जय हिंद।